बांदा में नाले की साफ सफाई न होने के कारण बरसात का पानी घरों में घुसने लगा है। रहवासियों ने परेशान होकर इसकी शिकायत डीएम से की है। शिकायत के बाद प्रधान ने जेसीबी ले जाकर औपचारिकता पूरी की और फोटो खिंचवाकर जेसीबी को वापस भेज दिया। रहवासियों द्वारा बताया गया कि प्रधान द्वारा मूलभूत सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पहली बरसात का पानी घरों में घुसने लगा है, जिससे गंदगी फैल रही है और रहवासियों को बीमारी का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें, समुचित नाली और सीसी रोड का निर्माण न होने के कारण गांव में अव्यवस्था फैल चुकी है। समुचित व्यवस्थाओं का न होने पर डीएम ने ग्रामीणों से शिकायत की है। गंदगी से पटा गांव का नाला प्रधान ने कोई साफ सफाई अभी तक नहीं करवाई है। मवई ग्राम पंचायत की अनुसूचित जाति बस्ती में अव्यवस्थाओं का बोलबाला चल रहा है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष बखूबी परिचित हैं संबंधित समस्या से, फिर भी उसका समाधान नहीं करा रहे। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा शहर कोतवाली के मवई बुजुर्ग ग्राम पंचायत का है। मैं आपका बुढ़िया, कहाँ से आए हो? मवई। क्या समस्या लेके आए हो? सब समस्या लेके आए हैं कि नाले में नाला कचड़ा से पटा है और प्रधान को कह रहे हैं कि आप इसको साफ करवा दो तो ये पानी निकलने लगेगा। तो वो जो कचड़े वाला वो पूरा पटा हुआ है, वो जो खरंजे तो बिछी है तो वहाँ टांगों से पानी भरा है, वो है गंदगी, पानी अंदर जा रहा है, वो गंदा पानी अंदर जा रहा है। प्रधान को कह रहे हैं तो 5 मिनट के लिए जेसीबी भेजा और वीडियो बना लिया और जेसीबी लेके चला गया है। एक बार कहा कि फिर जेसीबी भेजो तो कह रहा है कि चैनल भेज रहा हूँ, चैनल भेजूंगा जब ही सफाई होगी। अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है, बस वो कचड़ा से उसी तरह पटी है और बस पानी पूरे रोडों भरे में भरा हुआ है और ना कोई आरसीसी डरवा रहा है। तो साहब, हमारी यही है कि आप जा करके देखिए और जाँच, और अपना जांच कीजिए और हमारा समस्या है, ना पानी पीने की बहुत व्यवस्था बनाए और आरसीसी डरवा दें और हमारे ये नाले की सफाई करवा दें। भैया आपका रामदीन, कहाँ से आए हो? मवई से। क्या समस्या लेके आए हो? सर, नाला का पानी, नाला जाम है, पूरा पानी घरों में घुस रहा है, कमर से ज़्यादा पानी घुसा, गंदा पानी इतना कि दूषित में बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं, पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा हमको। जो पुरानी लाइन थी वो भी बंद पड़ी है और वो जैसा बोले थे कि इसको ठीक करवाएंगे, अभी तक कोई ठीक नहीं हुआ। और प्रधान जेसीबी लेके आता है, 2 मिनट के लिए वीडियो बनाता है और जेसीबी दोबारा फिर लेके चला जाता है और कहता है पोप लाइन लाओ, मैं कहाँ से सफाई कर रहा हूँ। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, प्रधान से हमने कई बार कहा, ना कोई आरसीसी है, ना खरंजा है, कोई खरंजा है तो वो भी कमर पानी भरा हुआ घरों के अंदर घुस रहा। आज कहाँ आए थे? आज डीएम साहब के पास आए थे। क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ से डीएम साहब नहीं मिली हैं, हमारा प्रार्थना पत्र ले लिया, बोलते हैं ठीक है जाओ, सुनवाई हो जाएगी।